हेलो फ्रेंड्स, सोचो आपके घर के फ्रिज में एक प्लास्टिक की बोतल है और एक कांच की बोतल है, और कोई आपको आके कहता है कि प्लास्टिक की बोतल मत यूज़ करो, मटका यूज़ करो। बट आपको तो ठंडा पानी चाहिए फ्रिज का, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे ठीक है, प्लास्टिक की बोतल हटा देता हूँ, मैं उसकी जगह कांच की बोतल यूज़ कर लूँगा एक और, बट मटका नहीं यूज़ करूँगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं सेबी के नए मल्टी कैप रूल्स। सो अगर आपको पता है म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करता है शेयर्स के अंदर, अगर हम देखा जाए अब तक क्या हो रहा है, अब तक म्यूचुअल फंड में जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनके, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ अपना अमाउंट लार्ज कैप शेयर्स में, कुछ दे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मिड कैप शेयर्स में, और वो बाकी का इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में। अब आप पूछोगे डिफरेंस क्या होता है लार्ज मिड और स्मॉल कैप में, तो अगर आप सारी कंपनीज को मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी जो 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप होती हैं, 100 से लेकर 250 तक की कंपनियां मिड कैप होती हैं, और 250 के नीचे की सारी कंपनियां स्मॉल कैप होती हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ये लोग अपना मेजॉरिटी पैसा जो है वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में कम कर रहे हैं। बट अभी जो नया सेबी का रूल आया उससे क्या होगा, उससे आपको 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स को, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में, और बाकी बचा हुआ वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इनको इंप्लीमेंट करना है जनवरी 2021, मतलब जनवरी अगले साल तक ये इनको इंप्लीमेंट करना है, ये चेंजेस करने हैं। तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये लोग लार्ज कैप बेचेंगे और मिड कैप में लगाएंगे पैसा, और लार्ज कैप बेचेंगे और स्मॉल कैप में लगाएंगे पैसा, सो दैट 25-25% हो सके। बट रियलिटी में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये सोचिए आप, ये मल्टी कैप फंड्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स के, उनका पैसा आता कहाँ से है? उनका पैसा आता है इन्वेस्टर्स से। वो इन्वेस्टर्स हमारी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं और कंपनियाँ भी हो सकती हैं। अब वो कंपनियां कैसे सोचेंगी वो हम समझते हैं अपने पुराने एग्जांपल फ्रिज वाले एग्जांपल से। तो समझो, अगर एक मल्टी कैप फंड है जो हमारी प्लास्टिक की बॉटल है, एक लार्ज कैप फंड है जो कांच की बॉटल है, और अगर मटका जो है वो स्मॉल कैप है, तो किसी इन्वेस्टर को अगर आके कहा जाए कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, आप मल्टी कैप में नहीं कर सकते, बिकॉज मल्टी कैप अल्टीमेटली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाला है। बट वो इन्वेस्टर तो एक पर्टिकुलर रिस्क ही लेगा, वो कहेगा मुझे स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहिए ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो मल्टी कैप को हटा के, प्लास्टिक की बॉटल को हटा के लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर देगा वो पैसा, बट वो स्मॉल कैप का एक्सपोजर नहीं लेगा, बिकॉज वो उसकी कॉल है, उसको उतना रिस्क नहीं लेना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है वो मल्टी कैप को हटा के लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर देगा, और यहाँ से क्या होगा उसके कारण कि लार्ज कैप में जो सेलिंग होगी वही मल्टी कैप फंड जो सेलिंग कर रहा है वही बाइंग लार्ज कैप फंड कर लेगा, तो एक फंड से दूसरे फंड में चला जाएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप को ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। स्टिल कुछ ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो हमारी तरह अगर है, जिनको है कि ठीक है मिड कैप मुझे मल्टी कैप में ही करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि क्या भी पोर्टफोलियो है, वो लोग मल्टी कैप ही प्रेफर करेंगे। उस केस में क्या होगा, लार्ज कैप से पैसा निकल के कुछ मिड कैप में जाएगा और कुछ स्मॉल कैप में जाएगा। अगर मार्केट के एस्टिमेट देखा जाए तो लार्ज कैप से निकल के स्मॉल कैप में जाने वाला 27,000 करोड़ रुपये होने वाला है। अगर लार्ज कैप से मिड कैप जो जा रहा है वो 13,000 करोड़ के आसपास होने वाला है। तो अल्टीमेटली लार्ज कैप तो समुंदर की तरह है, उसमें तो इतना पैसा है, इतने बड़े बड़े शेयर है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा निकाल के डाल दिया, वो तो गिलास निकाल दिया समुंदर से। बट मिड स्मॉल कैप और मिड कैप तो पैसे बैठे हैं, वहाँ पैसा आ गया तो वहाँ तो मतलब बहुत मजे आ गए उनके। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या चॉइसेस है? हमारे पास दो चॉइसेस हैं। पहला, वी कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप शेयर्स। सेकेंड इज वी कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो देख लेते हैं, अगर हम IIFL मार्केट्स का देखें एनालिसिस, तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं मिड कैप में जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी ले रखे हैं, और अगर उनको और लेने पड़े मिड कैप तो वो वही वाले शेयर्स लेंगे, बिकॉज वो उससे कंफर्टेबल है, तो वो ये वाले शेयर्स हैं एज पर IIFL। सिमिलरली स्मॉल कैप में जिस शेयर्स में कंफर्टेबल है म्यूचुअल फंड्स, वो ये वाले शेयर्स हैं। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम देखा जाए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो 3 साल का रिटर्न के हिसाब से टॉप 3 जो म्यूचुअल फंड आते हैं मिड कैप के अंदर, वो ये 3 म्यूचुअल फंड है, एक्सिस मिड कैप, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप और क्वांट मिड कैप। और स्मॉल कैप में देखा जाए जो 3 साल के रिटर्न के हिसाब से, तो एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। आई एम नॉट सेइंग कि आप इनमें ही इन्वेस्ट करो, बट आपको बता रहा हूँ कि 3 साल के रिटर्न के हिसाब से ये बेस्ट है इस टाइम पे। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है, क्या आपको लगता है कि सच में पैसा लार्ज कैप से निकल के मिड कैप और स्मॉल कैप में आने वाला है, और आपको कोई शेयर्स अगर पर्टिकुलर नहीं लेने हैं और आपको म्यूचुअल फंड साइड से जाना है, बिकॉज अगर शेयर्स बढ़ेंगे तो ये म्यूचुअल फंड भी बढ़ने चाहिए। तो ये पूरा टोटल इम्पैक्ट आने वाला है, और ये सभी ने चेंजेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टू ज्वाइन द ASAP 12 फैमिली। हम ऐसी वीडियोस और लाएंगे जो आपको कोई नहीं बताता, सब आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, आपको दोनों साइड के पहलू बताएंगे हर एक वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।